ये कुछ वीडियोस लाया हूँ जिससे आप जो है इजीली इसे समझ सकते हैं और कम से कम टाइम में अपना जो रिवीजन है वो आप कर सकते हैं। तो अकाउंट कैसे प्लीज़ प्रिपेयर किया जाता है और मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और हम डायरेक्ट जो है इसको समझेंगे। जैसे कि रियलाइजेशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले बैलेंस शीट से हम एसेट को पोस्ट करते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखना हम कुछ एसेट्स जो है यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, यानी बैलेंस शीट में अगर कैश और बैंक दिया होगा तो हम यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करेंगे। ऐसे ही लाइबिलिटी जो है आपको यहाँ इस साइड आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी लाइबिलिटी, लेकिन कुछ लाइबिलिटी ऐसी है जो आपको यहाँ ट्रांसफर नहीं करनी पड़ेगी, जैसे कि जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड और पार्टनर का लोन। अगर ये आपको बैलेंस शीट में दिया है तो इसे रियलाइजेशन में हम शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है ये देख लीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट में उसके बाद का प्रोसेस ये है कि अगर फर्म कोई भी एक्सपेंस पे करती है या लायबिलिटी पे करती है तो हम उसको लिखेंगे टू कैश या बैंक। वो डिपेंड करता है कि आपको जो है बैलेंस किसका दिया हुआ है। अगर कैश का बैलेंस दिया है तो हम यहाँ टू कैश लिखेंगे, अगर बैंक का बैलेंस दिया है तो टू बैंक लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर पार्टनर अपने तरफ से कोई भी एक्सपेंस और लायबिलिटी पे कर रहा है तो वहां पर पार्टनर्स का नाम आएगा। जैसे ए ने अगर एक्सपेंस पे किया है तो एज कैपिटल, और अगर कैपिटल फिक्स है तो एज करेंट अकाउंट आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर कोई भी कंपनी की एसेट रिलीज हो रही है डिसोल्यूशन के बाद तो वो कैश या बैंक के नाम से दिखाएंगे। वही बात आ गई यहां पर कि अगर बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस दिया है तो कैश, या अगर बैंक का बैलेंस दिया है तो बाय बैंक, ठीक है। तो यहां मैंने लिख भी दिया है इफ एनी एसेट सोल्ड, यानी अगर कोई भी एसेट सोल्ड होती है तो हम उसे बाय कैश या बाय बैंक के नाम से दिखा देंगे, ठीक है। हाँ, अगर कोई पार्टनर जो है फर्म की एसेट्स, अगर कोई पार्टनर अपनी फर्म की एसेट जो है लेके जा रहा है और वो उसकी पेमेंट नहीं कर रहा है तो उसका जो है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। जैसे अगर कोई भी फर्नीचर जो है वो बी लेके चला गया तो इट्स मीन बी इज कैपिटल, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपको जो है ट्रांजेक्शन करने होंगे रियलाइजेशन में। तो अब उसके बाद हमारा क्या प्रोसेस रहेगा, उसके बाद हम जो है उन सारी वैल्यूज को लिखने के बाद हम टोटल करेंगे, और रूल्स कहता है जिधर का टोटल है उसे दोनों तरफ लिखना है, और अगर आपका बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आता है तो हम उसे प्रॉफिट के नाम से दिखाएंगे, और अगर दो पार्टनर है तो उन दो पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। इसी तरीके से अगर फर्म में लॉस आता है, यानी अगर आपका डेबिट साइड का ज्यादा है और क्रेडिट साइड का कम है तो हम जो है इसे क्रेडिट साइड लॉस के नाम से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं आपको जो है इसको करने हैं, ठीक है। तो मेरा जो वीडियो है ये वीडियो सिर्फ ये है कि 5 मिनट की वीडियोस जो है मिनिमम बनेगी, जिसमें हम आपको इजी वे में आपको जो है अकाउंटिंग कैसे प्रिपरेशन करना है बोर्ड के लिए वो हम सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बातें करेंगे। थैंक यू।